तो गैस फाइनली ले लिया है टेबल, क्योंकि मेहमान आने वाला है ना, इसीलिए तो उसमें हम लोग को जो पाजंतर वगैरह है वहाँ पे देने के लिए कुछ जगह है ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग टेबल लेके आए। गुड मॉर्निंग सभी को फिर से और एक नया वीडियो में। तो गैस आज है हम लोग का फुल बिजू, यानी कि मार्केट लगेगा। फुल बिजू में घर वगैरह सजाते हैं, तो मैंने पूरा सुबह सुबह ही 4 बजे अलार्म लगा कर रखने के लिए बोला था बेतुल को, तो उन्होंने रख दिया है। तो सुबह सुबह 4 बजे मत बोलो, पतिदेव बोलो, पतिदेव ठीक है बोलूँगी पतिदेव। तो 4 बजे अलार्म लगने के बाद सुबह सुबह हम दोनों भी उठ गए, मम्मी भी उठ गए, मम्मी को भी बुला लिया है, क्योंकि आज मार्केट है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना मार्केट में, यानी मार्केट भी नहीं है बाज़ार है। तो अभी वहाँ पे जाएंगे, सब्जी वगैरह लेना है। मैंने तो अभी तो वो घर वगैरह झाड़ू वगैरह नहीं मारा है, वहाँ से आने के बाद ही घर वगैरह साफ सफाई करूँगी। और ये फूल भी जो मैं ना वो फूल उतार के तोड़ के घर को सजाता है, लेकिन सुबह सुबह वो सब कहाँ हो पाएगा, अभी बाजार ही जाना है हम लोग को ना। जाओ बाइक लेके आ। बाजार में पहुंचने के बाद इतना ज्यादा भीड़ लग गया है गैस, हम लोग तो सब्जी ले लिया है, पूरा सीना सीनी करके ले लिया है आज, क्योंकि ना ये बिहू है और यहाँ पे एक मछली, इतना ज्यादा आदमी आ चुके हैं, पूरा भीड़। और भी हम लोग को सब्जी वगैरह लेना है। दीवना ले लिया 20 रुपये का, इतना ज्यादा बिल लगा हुआ है गैस, देखिए ना केरला लेने के लिए। तो लो अच्छे बारे निकल मुझे बा हक्को आज बिजू का मार्केट है ना, इसलिए इतना ज्यादा महंगा हो गया, 100 रुपया है। पहले हम लोग लेके जाते 60 ऐसे, आज इतना ज्यादा महंगा हो गया। ले लिया जैसे थे 1/2 किलो, और भी ढूंढना है, और भी सब्जी वगैरह लेना है, फूल गोभी बंदा गोभी तो ले लिया है। इतना सारा कपड़ा वगैरह ले रहे, ये सब बाकी करके ले रहे, पेमेंट आने से ही दे दूंगी। घर जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों, और ये देखो इतना सारा सामान, और बारी बारी भी है, वहाँ पे मम्मी भी आ रही है। मम्मी का साइकिल में ये जो बैदागी है, और ये छोटा वाला बैदागी, ये बड़ा वाला बैट है, तो इसमें दे दूंगी मैं। और इसमें दे दिया ये, और मैं सामान को जो बड़ा सबसे भारी वाला सामान मैं नीचे रखूंगी, और हल्का वाला मैं ऊपर रखूंगी। घर पे भी पहुंच गया है दोस्तों, और यहाँ पे सामान वगैरह अभी डिवाइड करना पड़ेगा। मम्मी का सामान भी यहाँ पे दे दिया है, और मेरा सामान भी, तो मम्मी आने दो, उसके बाद पूछेंगे उसका सामान क्या क्या है, वो लेके जाएगी। और ये न्यूट्रा भी लेके आए हैं हम लोगों ने पाजंतोन में डालने के लिए, और काफ़ी सारा सब्जी भी लेके आया है। तो आप पहले रस वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी क्या क्या लेके आया है। और यहाँ पे देखिए गैस, क्योंकि आज फूल बिजू है ना, पूरा घर वगैरह सजाया जाता है, तो मेरा छोटा भाई ने देखो कितना अच्छे से सजाया है उस तरफ भी, अभी मेरा वाला भी सजाएगा ये। तो फूल ढूंढने के लिए जाते हैं हम दोनों भाई बहने, क्योंकि मेरा घर भी अधूरा रह गया है, तो यहाँ से फूल वगैरह तोड़ेंगे वहाँ से भी। तो ये वाला कात रख के चीज़ सुंदर भी देखेगा काटने से ये। Oh
सुबह से मैंने घर वगैरह भी सफा नहीं किया है क्योंकि मुझे जाना पड़ा मार्केट में, इसलिए मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया है। मेरा छोटा भाई ने आके यहाँ पे पूरा सुंदर से ये फ्लावर वगैरह लगा दिया है। मेरा छोटा भाई मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए ना गाइस, काफी अच्छे से सजा दिया है मेरा भाई ने, और ना उसका घर भी सजाया है। तो मेरा घर पे मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ ना, इसी के कारण मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। अभी देखो, अभी बाजार से आ गई हूँ मैं, तो अभी मुझे खाना भी बनाना है और खाना बना के साफ सफाई करना है। दूध वगैरह तो बेतुल जी लेने के लिए जाएगा, जो खुती है वहां से लेने के लिए जाएगा वो, इसी के बहुत इतना ज्यादा जमला है। और खाना खा के या साफ सफाई करके फिर से मार्केट में जाना है। वो जो आटा मैदा वो सब लेके नहीं आया है, और रसगुल्ला वगैरह कल नहीं मिला है, आज ही लेके आएंगे। और इतना ज़्यादा जमला हो गया गाइस। और यहाँ पे पानी दे दिया है, बॉयल करूँगी ये मशरूम बनाने के लिए। पति को बोला था कि नमक वगैरह दे देना, वो हम लोग का पड़ोसी का गाय वगैरह है, वहाँ से दूध देखने के लिए जाती हूँ, और इन्होंने कुछ डाला ही नहीं है। घर का आंगन को पूरा साफ सफाई कर लिया है दोस्तों, चारों तरफ मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, और घर का अंदर को भी वो झाड़ू वगैरह लगा दिया है। और मैंने बस थोड़ा सा वो मशरूम बना दिया था, तो बेतुल को बोला था कि बाकी सब्जियां तुम बना लो। तो यहाँ पे ये खाना बना के पूरा रेडी कर दिया है। हम लोग का इतना छोटा सा घर है ना, सामान रखने के लिए भी जगह नहीं है, पूरा काम पड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो पासंतन वगैरह बनाने के लिए सामान वगैरह यहाँ पे रख दिया है, खाना भी निकाल लिया है। तो अभी खाना भी खा लेते हैं गाइस। और दोस्तों, खाना बना तो हो चुका है, तो अभी जाना है हम लोग को मार्केट में, टेबल वगैरह लेके आना है। तो और भी सामान बाकी है, वो मैदा वगैरह बाकी है, तो रसगुल्ला भी बाकी है, वो सब लेने के लिए जाएंगे। मेरा पिचुली को इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है बेचारी का, पूरा थक गई है इतना ज्यादा। ये भी काम करते हैं एकदम बिल्कुल मेरे तरह ही है। लकड़ी ढूंढने गए थी वहां से जंगल से, और आके पूरा पानी पी के पूरा थक गए बेचारी, मुस्कुरा रही है। इतना छोटी उम्र में ये सब करती रहती है, मैं भी पहले ऐसे थी, बहुत ज्यादा काम करती, इसी के कारण इसको भी छोड़ दिया। मैंने भी काम पे मन लग गया है, तो स्कूल भी छोड़ दिया। तो स्कूल छोड़ने के बाद अभी मैं पछता रही हूँ। और हम लोग दुकान में भी पहुंच गए हैं भैया का दुकान से, यहाँ पे बोयम देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे डिब्बा वगैरह देख रही हूँ, ऐसा वाला ही लेके जाऊंगी। उसमें भी दूसरा है क्या भैया? हाँ, दूसरा साइज है। कितना पड़ेगा? पूरा छोटा छोटा है, खुला वाला नहीं है एक तो, वो सबसे बड़ा है। डिब्बा लेने के बाद फिर से यहाँ पे मैं रसगुल्ला लेने के लिए आई हूँ। भैया, रसगुल्ला एक पीस कितना है? 10 रुपए। ऐसा कर लीजिए, मुझे रसगुल्ला दिया 10, और ये क्या लाल मोहन दीजिए 10, और लाल मोहन ले लिया 15, और ये वाला रसगुल्ला ले लिया 15। 300 का हो गया ना। और ये भी कुछ पिया है, और मैं ये खाऊंगी। रसगुल्ला लेने के बाद फिर से हम लोग दुकान में आए हैं। यहाँ पे वो टेबल लेके जाएंगे, प्लास्टिक का टेबल है ना, वो अंदर में गया है, लेके आ रहा हूँ वहां से। घर जाते हैं, यहाँ पे खा पे सारा थक भी गए हम भी। जब भी सामान वगैरह लेने आता है यहाँ से तो लेके जाते हैं हम लोग। पूरा सेट है ना, ये मत खोलिएगा, ऐसे ही रख दीजिएगा, बस बाहर से हम लोग देख लेंगे।700 में लेके गया था रूपम। हाँ,
कल परसों लेके गया था। तो भैया चेक करके देगा, कुछ टूटा फूटा हो गया तो फिर से वापस आना पड़ेगा, टाइम ही नहीं है हम लोग को पास भी। हाँ सही बात बोला है। तस्तीन करेंगे उसके बाद ले लेंगे। और मैं फिर से यहाँ से एक जॉक लेके जाऊंगी, काफी सुंदर लग रहा है ये जॉक, तो ये वाला लेके जाऊंगी पिंक कलर का, क्योंकि लड़कियों का मेरे हिसाब से लड़कियों का पिंक ही वो पसंद है। हम सब शायद टूटा हुआ सुनाई दिया। ओ इसका टेबल क्लॉक नहीं मिलेगा? हाँ वो बिछाने वाला है ना, इसके ऊपर में बिछाते हैं ना, कहाँ पे है उनका? वाह इतना नीचे सामान भी इतना है ज्यादा। कपड़ा का आता है ना? प्लास्टिक का होगा। प्लास्टिक का लाइलून है, प्लास्टिक भी है, ये तो प्लास्टिक भी है, लाइलून भी है, प्लास्टिक का बढ़िया है, क्योंकि चार आज जिम्मे से तरह लाइलून का आपका बढ़िया होगा, वो गलेगा नहीं, गर्म पड़ने से भी नहीं गलेगा। ये वाला दूसरा कलर नहीं है, नहीं ये बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा कलर है नीचे, है नीचे बहुत सारा है, वो ऐसा है बड़ा बड़ा, देख के निकालो बड़ा, देखे पता होगा। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। घर में पहुँचने के बाद मैं तुरंत ही ये लगा लिया है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था गैस, और पूरा लगा के मैंने अच्छे से भी देख लिया है, तो इसको बाद में लगाएंगे हम, पहले थंबनेल वगैरह खिंचाते हैं। तो गैस फाइनली ले लिया है टेबल, क्योंकि मेहमान आने वाला है ना, इसीलिए तो उसमें हम लोग जो पाजन तो लगा है वहाँ पे देने के लिए कुछ जगह है ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग टेबल लेके आया है। ज़्यादा दाम नहीं है, 700 का ही है। तो गैस कैसा लग रहा है बाद में दिखाऊँगी आप लोगों में, वहाँ पर रख के, एक्चुअली तो वहाँ पे रख नहीं सकते हैं, बाहर में ही बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी है ना, घर का साया पड़ता है इसीलिए। अभी हम ना वो जो लेके आया था बिछाने वाला, अभी बाहर में ही बिछा के देख लेते हैं एक बार कैसा लगता है। फोन दे रहा था वीडियो देखो था, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं अच्छा तो लग रहा है। या कर देखना वीडियो दो नहीं अभी यहाँ पे हम जो मेहमान वगैरह आएंगे ना, वहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग का जो फाजनतन वगैरह होता है यहाँ पे दे देंगे पूरा अच्छे से, और बिस्कुट वगैरह भी दे देंगे, बाहर में बिताएंगे। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे काल झाड़ू मार के पूरा अच्छे से चकाचक कर दूंगी गैस। और ना और गैस दिन भर इधर उधर करते करते इतना ज़्यादा थक गए हैं, और ऊपर से मेरा सर्दी भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि धूप में घूमने से बाइक से जाने से पूरा हवा लग जाता है ना, पूरा अजीब लग रहा है बस भी, और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, जाओ नहाओ, तो मुझे भी नहाना भी है, और थक भी बहुत ज़्यादा गया है जहाँ से, और तो गर्मी से ऐसे बाहर से अगर आएंगे तो तुरंत नहीं नहाना है, थोड़ा रेस्ट करना है उसके बाद ही नहाना है, तो थोड़ा मैं भी रेस्ट करूंगी उसके बाद नहा लूंगी। तो दोस्तों हैप्पी फुल विजू सभी को गैस, आजू बाजू में जो गांव के लोग होते हैं, हम लोग का सब्सक्राइबर हो या ना हो, तो हम लोग का घर पे कल आ सकते हैं। एक्चुअली ना मैं भूली गई थी कि क्या 13 तारीख से स्टार्ट है, 13-14 तक रहेगा, और हम लोग तो 15 को मंदिर वगैरह में जाएंगे, इतना मंदिर में बिजी रहेंगे,
तो कॉल करके भी आ सकता है, क्योंकि बीतुल का दोस्त वगैरह इसको कॉल करके आ सकता है इंस्टाग्राम में, तो उसका नंबर वगैरह होना। कहाँ पे दिया था नंबर? यूट्यूब में। हाँ, यूट्यूब में दिया है ये उसका नंबर सेक्शन में। हाँ, तो वहाँ पे जरूर अभी कॉल करके बोल देना कि कहाँ पे हो, हम लोग आ रहे हैं। कॉल करने से नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप में मिलेगा। हाँ, व्हाट्सएप कॉल हाँ उसी में कर लेना आप लोग। तो दोस्तों हाँ, स्टार्ट है। एक्चुअली ना मैं भूल ही गई थी, हमने सोचा था कि अंग्रेजी वाला फॉलो कर रहा था एक्चुअली। अंग्रेजी कैलेंडर। हाँ, वही सब फॉलो कर रहा था, लोकल कैलेंडर फॉलो करना है भूल गया था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो मैंने पूरा वीडियो में ही बता दिया है सारे बात। तो आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। तो आज यहाँ पे समाप्त कर लेती हूँ। तो बाय बाय सभी को, गुड नाइट भी। हाँ।